एवरीवन, आई एम आर्यन एंड वेलकम बैक टू आर्यन एजुकेशन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 विंग आवर नंबर क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 1 है, मैं सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब मतलब कि क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कितना क्या होगा। जैसे आपको 1 लाख है कि आपको कितना 1 लाख 10,000 टू दैट, देखिए कितने 10,000 मिल के 1 लाख बनाता है, तो आपको इसमें फिल द ब्लैंक्स करना है। तो लोग क्या करना, हम लोग देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो 1 लाख और 1 लाख में कितना 10,000 होता है, ये निकालना फर्स्ट का क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, पहले आपको ऐसे लिखा हुआ होगा इसमें 1 लाख में कितना जीरोज आता है। 1 लाख में 1 1 stands, 100s, थाउजेंड्स, 10,000s एंड लैख हो गया ना ये। और 10,000 कितना आता है, 10,000 में आता है आपका 1 10s, 100s, थाउजेंड्स एंड 10,000, इतना हो जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये 1 लाख को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे 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 डिवाइड करें, आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना। आपको कैसे डिवाइड करना है, एक ही है, उसके लिए 1 आपको ऐसे लगा देना है। फिर आपको 0 को कट करना है, इसमें ईयर कितना 0s है, इसमें 4 0s है, 4 0 कट हो गया यहाँ पे, इसमें कितना 0s है, इसमें 4 1 2 3 4, आपको इसमें 4 0 और इसमें 4 0 कट करना है। अब आपको 10 को वहाँ से डिवाइड करना है, तो 1 निकलेगा सी एस एन का, तो इसका आंसर निकल जाएगा 10। ओके फ्रेंड्स, इसको देखिए 1 है, 1 का कुछ समझना नहीं, 1 हटा लेना है, इसका सी एस एन आंसर आएगा 10, आपका निकल गया 10,000। अब अगला भी वैसे ही करना है, 1 मिलियन, 1 लाख कितना जीरो आता है, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो उसमें कितना जीरो आएगा, उसमें आएगा 6 0, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 एंड 100,000 एंड मिलियन, 1 मिलियन, ओके 1 मिलियन। मैंने कहा कितना है, 100,000 होता है, 100,000 कितना हो गया, 1 लाख हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 5 0 जाता है। अब यहाँ नीचे का 5 0 कट हो गया, ऊपर का 1 2 3 4 5, 5 0 कट हो गया, इसका ऐसे क्या निकल गया, 10 निकल गया, इसके मैं निकल गया 10। देखिए क्या होता है, इसका 1 लाख कितना 10,000 आता है, मतलब कि 1 लाख में 10,000 आता है। 1 मिलियन कितना आता है, 1 मिलियन में 100,000 आता है। अभी कहते हैं 1 करोड़ का, 1 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ कितना गया, हो गया 1 करोड़। अब इसमें कितना निकल, कितना 10 लाख होता है, 10 लाख, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लैख एंड 10 लाख, इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 6 0, इसमें 1 2 3 4 5 6 0 इसमें कट हो गया, इसका क्या निकल गया, ये 10, इसमें लिख देना हम लोग को 10, मतलब कि 1 करोड़ में 10 लाख आता है। क्या है, 1 करोड़, 1 2 1 stands, 100s, 1000s, 10,000, 10,000 लैख, 10 लाख एंड 1 करोड़, ओके 1 करोड़। उसको किसे डिवाइड करना है, मिलियन से, 1 मिलियन कितना होगा, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 1 मिलियन हो गया ना, ठीक है। अब इसमें 3, इधर का 3 कट हो गया और इधर का 3 कट हो गया, इसका 3 कट हो गया, इसका और यहाँ का ये 3 कट हो गया, इसका कितने मिल गया, इसका मिल गया 10, ठीक है। और लिख देना हम लोग को 10, मतलब कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। ये 10 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन में कितने लैक्स आता है, तो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000 एंड मिलियन, 1 मिलियन हो गया, डिवाइड से कितना करता है, 1 लाख से, 1s, 10s, 100s, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 एंड लैक, 1 2 3 4 5 0 इसमें आ गया, 1 2 3 4 5 0 इसमें आ गया, 1 2 5 0 इसमें आ गया, कितना हो गया, 10 हो गया, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो आज के बस इतना ही होता है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।